हेलो फ्रेंड्स वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल रेडियोलॉजी टेक्निकल फ्रेंड्स आज का हमारा टॉपिक है फिल्म बेज फिल्म बेज क्या होता है इसके स्ट्रक्चर और इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और रेडियोलॉजी टेक्निकल चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स टी बेज के बारे में जानने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक में जाकर आप देख सकते हैं तो आइए जानते हैं फिल्म बेज के बारे में फिल्म बेज इट इज पर्सनल मॉनिटरिंग डिवाइस कैन मेजर इंडिविजुअल डोज फ्रॉम एक्सरे बीटा गामा एंड थर्मल न्यूट्रॉन रेडिएशंस मींस फिल्म बेज एक पर्सनल मॉनिटरिंग डिवाइस होता है जो एक्सरे, बीटा गामा और थर्मल न्यूट्रॉन रेडियस की इंडिविजुअल डोज को मेजर करता है इट कॉन्सिस्ट ऑफ ए फिल्म पैकलोडेड इन ए फिल्म होल्डर हैविंग शूटेबल मेटलिक फिल्टर्स मतलब फिल्म बेज में शूटेबल मेटलिक फिल्टर वाले फिल्म होल्डर में फिल्म को फिल्म पैक में लोड किया जाता है द बेज इज कॉन्सिस्टेंट ऑफ टू पार्ट फिल्म बेज दो पार्ट से मिलकर बनी होती है फर्स्ट है फोटोग्राफिक फिल्म और सेकंड है फिल्म होल्डर तो पहले अपन फोटोग्राफिक फिल्म के बारे में जानते हैं इट इज कैपेबल ऑफ होल्डिंग वन और मोर फोटोग्राफिक फिल्म ऑफ साइज फोर सेंटीमीटर इंटू थ्री सेंटीमीटर मतलब फोटोग्राफिक फिल्म की साइज़ फोर सेंटीमीटर इंटू थ्री सेंटीमीटर होती है और यह एक या अधिक फोटोग्राफिक फिल्म को होल्ड करने में कैपेबल मतलब सक्षम होती है फोटोग्राफिक फिल्म रैप्ड इनसाइड बाई ए लाइट टाइट पॉलीथीन और पेपर कवर फोटोग्राफिक फिल्म को एक लाइट टाइट पॉलीथीन या पेपर कवर के अंदर रैप्ड मतलब लपेटा जाता है इसको पॉलीथीन या पेपर कवर में इसलिए लपेटा जाता है कि इस फिल्म को लाइट नहीं लगे देर आर टू फिल्म इन द बेज वन इज स्लो एंड अदर इज फास्ट फिल्म बेज में दो फिल्म होती है एक स्लो फिल्म होती है और दूसरी फास्ट फिल्म होती है द स्लो फिल्म इज मेंट फॉर रिकॉर्डिंग हाई एक्सपोजर जो स्लो फिल्म होती है वह हाई एक्सपोजर को रिकॉर्ड करने के लिए होती है और फास्ट फिल्म स्लो एक्सपोजर को रिकॉर्ड करने के लिए होती है दीज फिल्म आर यूज फॉर पीरियड ऑफ वन कैलेंडर मंथ या फोर वीक्स इस फिल्म का यूज वन कैलेंडर मंथ मतलब फोर वीक के पीरियड के लिए किया जाता है मतलब फोटोग्राफिक फिल्म को वन मंथ के बाद चेंज किया जाता है अब बात करते हैं फिल्म बेज के सेकेंड पार्ट की फिल्म होल्डर के बारे में द फिल्म होल्डर इज मेड अप ऑफ प्लास्टिक विद स्टेनलेस स्टील फिल्म होल्डर स्टेनलेस स्टील और प्लास्टिक का बना होता है फिल्म होल्डर का मेन काम होता है कि यह फोटोग्राफिक फिल्म को होल्ड करके रखता है द फिल्म होल्डर हैज सिक्स फिल्टर्स मतलब फिल्म होल्डर में सिक्स फिल्टर्स होते हैं फर्स्ट है ओपन विंडो सेकेंड है प्लास्टिक थर्ड है कैडमियम फोर्थ है थिन कॉपर फाइव है थिक कॉपर सिक्स है लेड अब बात करेंगे कि कौन सा फिल्टर किस रेडिएशन के लिए बना होता है फर्स्ट है ओपन विंडो यह विंडो एल्फा पार्टिकल के लिए होता है सेकंड प्लास्टिक का बना होता है जो बीटा पार्टिकल के लिए होता है थर्ड फिल्टर कैडमियम का बना होता है जो थर्मल न्यूट्रियस के लिए होता है फोर नंबर फिल्टर थिन कॉपर का बना होता है थिन कॉपर मतलब यह पतले कॉपर का बना होता है और यह लो एनर्जी एक्सरे के लिए होता है फाइव नंबर फिल्टर थिक कॉपर का बना होता है थिक कॉपर मतलब यह मोटे कॉपर का बना होता है जो हाई एनर्जी एक्सरे के लिए होता है लास्ट फिल्टर लेड का बना होता है जो गामा रेज के लिए बना होता है ऑल फिल्टरस हैज़ वन एम एम थिक एक्सेप्ट थिन कॉपर विच इज़ ज़ीरो पॉइंट वन फाइव एम एम मतलब यह सभी फिल्टर्स वन एम एम थिक मतलब वन एम एम मोटे होते हैं लेकिन थिन कॉपर की मोटाई जीरो पॉइंट वन फाइव एम एम होती है थिक कॉपर को छोड़कर सभी फिल्टर्स की मोटाई वन एम एम होती है द फिल्टर्स असेस द पेनेट्रेटिंग पावर ऑफ द रेडिएशन एंड परमिट द एनर्जी टू एस्टिमेटेड मतलब फिल्टर रेडिएशन की पेनीट्रेटिंग पावर मतलब वेदन क्षमता को असेस करते हैं और इस प्रकार की एनर्जी का अनुमान लगाने की परमिट देते हैं डोज इज मेजर्ड इन मिलीशिवेट फिल्म बेज से डोज को मेजर मिलीशिवेट में किया जाता है मतलब रेडिएशन डोज को मिलीशिवेट में मापा जाता है फिल्म बेज कैन बी यूज टू मेजर रेडिएशन फ्रॉम टेन मिली रोंजन टू थाउजेंड रोनजन मतलब फिल्म बेज का यूज टेन मिली रोंजन से थाउजेंड रोजन तक की रेडिएशन मेजर करने के लिए किया जाता है फिल्म बेज इज वॉर्न कंपल्सरी एट चेस्ट लेवल फिल्म बेज को हमेशा चेस्ट लेवल पर लगाना कंपल्सरी होता है द फिल्म बेज इज worn अंडर द लेड एफरिन एट चेस्ट लेवल फिल्म बेज को चेस्ट लेवल पर लेड एप्रन के अंदर लगाया जाता है द फिल्म बेज वॉर्न एट द चेस्ट लेवल रिप्रजेंट द होल बॉडी डोज equivalent. मतलब फिल्म बेज को चेस्ट लेवल पर इसलिए लगाया जाता है कि वह होल बॉडी मतलब पूरी बॉडी की डोज को रिप्रेजेंट करता है द बी ए आर सी सप्लाई द फिल्म फॉर ए पीरियड ऑफ वन कैलेंडर मंथ बी ए आर सी मतलब भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर वन मंथ या फोर वीक के पीरियड के लिए फिल्म बेज की सप्लाई करता है आफ्टर फोर वीक्स द फिल्म इज रिटर्न थ्रू द बी ए आर सी फोर डोज कंप्यूटेशन मतलब फोर वीक्स के बाद फोटोग्राफिक फिल्म की डोज को मेजरमेंट करने के लिए बी ए आर सी को वापस रिटर्न कर दी जाती है वेन रेडिएशन पासज थ्रू द फिल्टर केस फॉर्मेशन ऑफ लेटेंट इमेज इन द फिल्म जब रेडिएशन फिल्टर से होकर गुजरती है तो फिल्म पर लेटेंट इमेज का निर्माण होता है द बी ए आर सी प्रोसेस्ड द फिल्म एंड मेजर द ऑप्टिकल डेंसिटी बाई डेंसीटोमीटर जब बी ए आर सी फोटोग्राफिक फिल्म को प्रोसेस करते हैं तो डेंसिटोमीटर के द्वारा ऑप्टिकल डेंसिटी को मेजर कर लिया जाता है अब फिल्म बेज के एडवांटेज की बात करते हैं मतलब इसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं इट इज ए परमानेंट रिकॉर्ड मतलब जो फोटोग्राफिक फिल्म होती है वह बी ए आर सी के द्वारा रिकॉर्ड कर ली जाती है कुछ ईयर्स बाद भी इसके डाटा बी ए आर सी के पास रिकॉर्ड होते हैं सेकंड है लिस्ट एक्सपेंसिव डिवाइस मतलब इसकी जो कॉस्ट होती है वह बहुत कम होती है थर्ड नंबर है नेचर ऑफ एक्सपोजर टाइप ऑफ रेडिएशन एंड एनर्जी कैन बी इवाल मतलब फिल्म बेज के द्वारा एक्सपोज के नेचर का पता लगाया जा सकता है रेडिएशन के टाइप्स का पता लगाया जा सकता है मतलब बॉडी में एक्सरे बीटा गामा लो एनर्जी एक्सरे और हाई एनर्जी एक्सरे जो भी रेडिएशन लगी है उसका पता लगाया जा सकता है और फिल्म बेज के द्वारा रेडिएशन एनर्जी का भी पता लगाया जा सकता है अब डिसएडवांटेज की बात करते हैं मतलब फिल्म बेज के क्या क्या नुकसान होते हैं सेंसिटिव टू लाइट टेम्परेचर हीट ह्यूमिडिटी एंड लिक्विड्स। फोटोग्राफिक फिल्म लाइट टेम्परेचर हीट ह्यूमिडिटी और लिक्विड्स के प्रति सेंसिटिव होती है जिससे फिल्म खराब हो सकती है यह इसका मेन डिसएडवांटेज होता है इट इज़ नॉट रीयूज मतलब फोटोग्राफिक फिल्म को रीयूज नहीं किया जा सकता एक बार फिल्म को काम लेने के बाद उसे दोबारा यूज़ नहीं किया जा सकता लिमिटेड सेल्फ लाइफ मतलब फिल्म बेज की सेल्फ लाइफ लिमिटेड होती है मतलब इसकी लाइफ फोर वीक या वन मंथ होती है और टेल्ड बेज की लाइफ थ्री मंथ की होती है कॉम्प्लेक्स डार्क रूम प्रोसीजर इसमें फोटोग्राफी फिल्म को लेटेंट इमेज में बदलने के लिए कॉम्प्लेक्स डार्क रूम प्रोसीजर करना पड़ता है तो फ्रेंड्स आज का टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर व रेडियोलॉजी टेक्निकल चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें व इसके बेल आइकन पर क्लिक करें जिससे आने वाली मेरी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा